अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सब दा। और जी एक नया ब्लॉग, एक नया दिन, तो आज मैं सोचा थोड़ा पंजाबी च मैं ब्लॉग कराँ। तो पंजाबी मेरी मादरी जबान है और बड़ा मज़दार जबान है, बड़ी मज़दार जबान है। वैसे ऐसे पंजाबी जरा ना पंजाबी बोलते बड़ी शर्म महसूस करने, पता नहीं क्यों गल है। सिंधी सिंधी बोलन तो नहीं करता, बलोची बलोची बोलन तो नहीं करता, तो पश्तून कभी भी पश्तो बोलन तो शर्मिंदगी नहीं करते, लेकिन पंजाबी बहुत कई लोग नहीं करते, ले बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो कहते नहीं नहीं जी बच्चे ना पंजाबी नहीं बोलनी, फलाने ना पंजाबी नहीं बोलनी, तो इतने भी यही हाल है। तो मेरा दिल किया मैं पंजाबी से ब्लॉग करा, ये मैं ब्लॉग कर रही हूँ स्पेशल पंजाबी से अपनी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर यूट्यूबर फ्रेंड मेरी ने मुकद्दस ताड़े वास्ते मैं पंजाबी से ब्लॉग कर रही हूँ। चलो जी मेरी पंजाबी हूँ खत्म हो गई है, अब मैं उर्दू में शुरू करने लगी हूँ। और ये जी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज? फिर एक नया जगह पे आपको लेके जाऊँगी, नहीं तो नहीं, पहले काफ़ी दफ़ा लेके जा चुकी हूँ। यहाँ से हम लोग जहाँ कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद रोड पर, और यहाँ से हम अभी फ्रूट्स वगैरह लेने लगे हुए हैं। आज हम जा रहे हैं अपनी हाला की तरफ, काफ़ी 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 अरसे के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह का हर दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन इस वबा ने फैलाई है वहाँ पे आपका अपनों से मिलना ब्लेसिंग है, बिल्कुल ब्लेसिंग है। मेरी अम्मी आज काफ़ी दिनों बाद अपनी बहन से मिली थी, मेरी एक ही हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, मामू है मेरे, और माशाल्लाह छोटी सी फैमिली हम लोगों की, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं। और जी यहाँ से अभी फ्रूट्स वगैरह लेंगे बच्चे, मैं और अम्मी मनाल और नीमा हम लोग पहले जा रहे हैं, और उसके बाद फिर बाकी फैमिली बाद में आएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जल्दी जा रहे थे और बच्चे तो भी जी क्रेज़ी हुए हुए थे बच्चों को मिलने के लिए। हालांकि पोते पोती हैं माशाल्लाह, उनके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है। और ये अब हम आ गए हैं कैंट का सबसे खूबसूरत एरिया, कैंट का, मैं हमें सालकोट का कैंट सबको पता बहुत खूबसूरत है, मैं हर दफ़ा व्लॉग में पहले भी बता चुकी हूँ। तो जी जी बस हम हाला की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अच्छा मैं एक घंटा तो लग गया था, उनके अम्मी ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, टेलर से काम था, ऐसे बस छोटे छोटे चुटकुट काम थे, तो जो रास्ते में हम करते हुए ना, तो अब हाला की तरफ जा रहे हैं। और बच्चे इतने बेचैन हुए हुए थे कि कौन सा वक्त होगा दादू, हम कहाँ जाएँगे, कब जाएँगे। और बस जी फाइनली अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो बाकी का ब्लॉग मैं आपको हाला घर बताऊँगी। अच्छा जी हाला घर थी, हमने चाय शाय पी, बहुत मज़ा किया, बड़ी बातें की हाला के साथ, बहुत फ्रेंडशिप है हम लोगों की हाला के साथ बहुत ज़्यादा, है ना। तो मुझे तो मेरी हाला मुझे जैसी लगती हैं, क्योंकि वो बहुत सोशल है लाइक मी, मेरी अम्मी इतनी सोशल नहीं है, बहुत कम बोलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ना अपनी हाला के काफ़ी गट्स हैं, कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, बल्कि मैं तो कहते ना नाम का असर है मेरे पर, नादिया का मतलब सदा सदा मीन्स आवाज़, और मेरी आवाज़ तो भाई आपको पता ही है ना, फिर आवाज़ तो जो बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ कहाँ पर दबती है। अच्छा जी वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मैंने खाना भी रखा हुआ, पहले मैं अपना खाना देखा हूँ, फिर बाकी की वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ, थोड़ा सा म्यूजिक सुन ले। अच्छा जी मैं आ गई हूँ वापस, तो बहुत आसान काम नहीं है, चाहे जो भी है छोटा यूट्यूबर है बड़ा यूट्यूबर है, तो छोटा बड़ा तो नहीं, लाइक जैसे मेहनत हर बंदा करता है, और बस ये अपनी अपनी लक होती है, तो मेहनत हर बंदा बहुत करता है। वॉइस ओवर करना है आपको, एडिटिंग करनी है मोबाइल में, स्टोरेज का मसला बहुत कुछ होता है, और सबसे मुश्किल काम है जब आप फैमिली में हैं या वैसे बाहर गए हैं वीडियो करना, ऐसे लोग आपको देख रहे होते हैं ना जिसे पता नहीं आप अनोखा काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सियालकोट में इतना शायद नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए कई लोग बड़े अजीब नज़र से भी देखते हैं भी हर वक्त मोबाइल पकड़ा हुआ और ये क्या काम है। हालाँकि मुझे पहले भी जब ये मैं नहीं थी करती तब भी मुझे वीडियोज़ का पिक्चर्स का बहुत था, ये उस वक्त भी जब मोबाइल में कैमराज नहीं थे, कि उससे पहले की भी बात नहीं मैं बता रही हूँ। एनीवेज जी मैं अब आ रही हूँ अपने मौजू की तरफ, बच्चे गाड़ी में सो गए थे क्योंकि स्कूल के लिए उठी हुई थी तो इनको नींद आ गई थी, तो वैसे भी अक्सर बच्चे गाड़ी में सो ही जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि बस जहाँ पर जाना ना वहाँ पर हम कब पहुँचेंगे, और वो सुबह से बेचैन हुई हुई थी, तो फिर ज़ाहिर है अब रस्ते में जी ऐसे होता है स्लिप ऑफ टंग होती है ना, हम बीच में अपनी जो यूजली नॉर्मली हम लैंग्वेज बोलते हैं तो वो आ जाती है कभी कभी आपके अंदर से निकल आती है, तो रास्ते में भी कई काम ऐसे थे, ज़ाहिर अब डिस्टेंस इतना है तो फिर अगर आए हैं तो काम करके जाएँ,
तो जी आप भी मेरे साथ सियालकोट का विज़िट करें, कई लोगों ने सियालकोट नहीं देखा। मोस्टली ज़ाहिर है लाहौर और कराची इस्लामाबाद ऐसे सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग वैसे भी जाते हैं, तो ऐसे जो दूसरे सिटीज़ हैं स्मॉल सिटीज़ हैं तो यहाँ पे लोग वहीं आते हैं जहाँ पे रिलेटिव्स हैं उनके कुछ तो जानने वाले हैं, तो वैसा कोई विज़िट के लिए मेरा नहीं हाल कोई इतना आता होगा। तो शायद आजकल जैसे ब्लॉगिंग का ट्रेंड भी है, फूड्स की जो व्लॉगर्स हैं, जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, तो वो फिर हर जगह जाते हैं, तो अक्सर मैं देखती हूँ लोग सियालकोट भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सियालकोट को ही आते हैं। वैसे भी माशाल्लाह ये शहर इकबाल भी है, तो इकबाल का शहर देखने के लिए, अल्लामा इकबाल का घर देखने के लिए मैंने भी बहुत बचपन में देखा हुआ है, तो अब तो उन जगहों पर जाना नहीं होता, वरना मेरा दिल तो बहुत करता है जाए, लेकिन ज़ाहिर अकेले मैं जा नहीं सकती, और साथ मेरे साथ मेरी ऐसी चीज़ों को इन्जॉय करने वाला फ़िलहाल मेरे साथ कोई भी नहीं ऐसा बंदा या बंदी जिसको ऐसी जगहों पर जाने का शौक़ हो, तो मैं इसलिए फिर नहीं जा पा रही। तो मैं अगर लाहौर भी जाऊँ तो ऑनेस्टली मुझे मॉल्स वगैरह घूमने का तभी मज़ा जब मैंने शॉपिंग करनी है, अदरवाइज़ फजूल में मॉल्स बस जाना है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरी पर्सनल अपनी है, मैं ज़रूरी नहीं कि हर बंदे की ऐसी हो। मैं अगर लाहौर जाऊँ ना तो मेरा दिल करता है मैं अंदरून लाहौर जौन से ना वो देखूँ, और मैं जाती भी हूँ 3-4 दफ़ा, और ये और बात है कि मैं उन दिनों व्लॉगिंग नहीं थी करती, पिक्चर्स वगैरह मेरे पास हैं, यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली भी मैं गई थी, वो भी किसी के रेफरेंस से गई थी, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आपका पॉसिबिलिटी हो किसी के लिए तो वो ज़रूर जाएं, वो बहुत खूबसूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, मैं अपनी हाला के घर पहुँच गया, ये मेरी अम्मी है, अल्लाह इन्हें सेहत दे, जिंदगी सबके माँ बाप को रखे, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, और ये भी बच्चे बाहर खेल रहे थे तो बेशक सेफ होता, लेकिन हम लोग की सब फैमिली में ही है कि हम ज़रूर बच्चों के पास आकर चेक करते हैं। तो अभी किसी ने तो ड्रिंक नहीं ली, लेकिन मैंने कहा चले मैं पी लेती हूँ, फिर मैं पकोला पी रही हूँ, मैं ये पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। तो जी अभी हम मज़े की चाय इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे भी अंदर आ गए हैं, मगर कोई टाइम वैसे भी होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट तो नहीं लेकिन लाहौर तो डेंगू काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा केसेस, तो मुझे तो कल भी मैंने सुना है बहुत खौफ आया, तो प्लीज़ केयरफुल अपने बच्चों को, मगरब के टाइम स्पेशली सुना वो अटैक करता है, तो बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए। जी शाम की चाय के साथ आपने देख ली, टी स्नैक्स बहुत मज़े के थे, फ्रूट चाट थी, और हालांकि बहू ने केक घर में बनाया हुआ था बहुत मज़े का, आई थिंक स्ट्रॉबेरी जैम का केक था, बहुत मज़े का था, मार्केट से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और अभी हम आए हैं ड्रिल एंड थ्रिल, और ये फूड स्ट्रीट ही बन गई हुई ऑलमोस्ट, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट भी है साथ, शॉपिंग भी करें खाना भी खाएं। ये आज मैं आई हुई हूँ दुरान के बैक साइड पे, जब उस दिन आई थी तो ये उससे नेक्स्ट डे ही मैं आई थी, तो वहाँ पे खाना वगैरह खाया, ग्रिल एंड थ्रिल बारबेक्यू वगैरह बहुत मज़ा आया। और अभी जी हम आइसक्रीम खा रहे हैं, और आइसक्रीम वैसे तो स्वीट होती है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्वीट थी, मुझसे बहुत मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो मुझे तो ये सौंफ का बहुत मज़ा आ रहा था। तो अभी मैं बस आई हूँ जलाल सन्स, मुझे कुछ घर के लिए बेकरी की चीज़ें लेनी थी, गेस्ट वगैरह ने आना था, तो मैंने सोचा चले मैं ना इधर से इनके जो वेजिटेबल पैटीज हैं बहुत मज़े के हैं, बेकर्स इन, आज मेरा दिल नहीं था करा जाने को, तो मैं चलो इधर पास ही है तो ले लेती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पैटिस जो उनसे ना मिले नहीं, सिर्फ एक वेजिटेबल पैटिस मिला था और एक चिकन पैटिस मिला था। तो मैं बच्चों के लिए कपकेक्स ले लिए और दो पैटिस लिए, और मैंने बस एक दो चीज़ें और ली, तो फिर मैं वापस आ गई थी, रश काफ़ी था, तो बस मैं जितनी वीडियो कर सकी हूँ की हूँ, ये ना मेरे था डर था, अच्छा नहीं लगता ना जब ऐसे मैं रश ज़्यादा हो किसी की भी आ जाए वीडियो, तो फिर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। तो इनकी भी हाँ जी केक रस भी मैंने लिए थे हस्बैंड के लिए, बेकरी इनकी बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन शॉप है, और काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, तो अच्छा है इनका वैसे, और इनकी स्पेशली जो आजकल मुझे ना वेजिटेबल पैटिस बहुत। तो जी बस यहाँ से हमने लिए, मैंने ले लिए थे जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, और फिर मैं उसके बाद घर जा रही हूँ, तो बस मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा रही हूँ इनके पास क्या क्या है। इनकी मिठाई भी बहुत मज़े की है, इनकी बेकरी भी बहुत अच्छी है, इनका कैफ़े भी है ऊपर, कैफ़े फ़िलहाल हमने ट्राई नहीं किया, बस इसकी स्टेयर्स की वजह से, एक्चुअली में हमें होता है हर जगह अम्मी को लेके जाने का, अम्मी कहती है कि आप लोग चले जाओ, कुछ नहीं होता अगर मेरा नहीं, पता नहीं कि दिल ही नहीं करता ना बिल्कुल भी अम्मी के बगैर जाने को, तो इंशाल्लाह जाएंगे भी विज़िट करेंगे, काफ़ी सुना है कुछ लोगों की अच्छी इसमें ओपिनियन है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया, तो बात वही आती है आपकी टेस्ट पर भी आती है, किसी को अच्छा लगता किसी को नहीं अच्छा लगता। तो जी तुम अगर मेरा व्लॉग चंगा लगे
तो इनू लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबसक्राइब मेरा चैनल, तो अपने फ्रेंड्स ते दोस्ताना भी ते सब शेयर करियो। अल्लाह हाफिज़।